कई बार इस जगह आना पड़ता है। मैंने आपको मैट्रिक्स के अंदर एक ना ट्रिक नहीं सिखाई ना, मैं आपको वो भी बताता हूँ। देखो अभी ये सब चलता रहता है, ठीक है। एक्चुअली में क्या है, अब क्या मेरे खुद के घर में इतने जने आ गए कि मैं परेशान होता हूँ उनको सिखाते सिखाते, कई बार घर पे भी। एक याद होगा आपको, याद है आपको, ये याद होगा कि हाँ ऐसा कुछ था, लेकिन ये याद कभी नहीं होती क्योंकि ना बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें बहुत ज्यादा। और मैं इसका तरीका सिखाता हूं, देखो अगर आपने घर में बैठ के, ये घर है, अगर आपने घर में बैठ करके बोला आ डीजे आ डीजे आ, तो वो आएगा आपके घर के बाहर एक एन माइनस वन पावर का स्पीकर लगा के चला जाएगा। अगर आपने घर में बैठ करके दो बार बोला आ डीजे आ, तो वो आपके घर के बाहर दो स्पीकर लगा के चला जाएगा एन माइनस वन पावर के। अगर आपने खुले में बैठ करके बोला आ डीजे आ, तो वो आपके, क्योंकि आपने खुले में बोला और खुले में आवाज कम हो जाती है, घर में तो तेज सुनाई देती है ना, खुले में बैठ के बोला तो वो क्या करेगा, आपके घर के बाहर एक थोड़ा सा कम पावर का, कंपैरेटिवली कम पावर माने एन माइनस टू पावर का एक स्पीकर लगाएगा जिसको आपको सामने बैठ के सुनना पड़ेगा। अब आपको याद आया, चलो अब बताना मेरे को, बताओ, चलो देखें ताली तो बजाई ना तुमने, अब मेरे को बताओ इधर की तरफ, तब मेरे को समझ में आएगा कि यहां सीखा, बताओ इसको क्या पढ़ रहे हो, घर में बैठ करके तो वो क्या करेगा, घर के बाहर एन माइनस वन पावर का स्पीकर लगाएगा। अगर आपने दो बार बोला घर में बैठ के आ डीजे आ, तो वो घर के बाहर दो एन माइनस वन पावर के स्पीकर लगा के जाएगा। इसमें क्या पढ़ते हैं, यदि आपने खुले में बैठ करके आ डीजे आ बोला तो वो घर के बाहर कम पावर का स्पीकर लगाएगा, और जिसे आपको अब याद रहेगा, है ना, मतलब चीजें वही हैं, वही स्टैंड स्टिल है, लेकिन पता है कब मजा आता है, जब क्वेश्चन बनते ही चले जाते हैं, बनते ही चले जाते हैं, फिर क्या आप पीछे जाकर के सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है। अच्छा फटाफट आगे बढ़ते हैं।